आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना गूगल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट की वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया तो आप गूगल अकाउंट बनाना सीख जाएंगे। तो आप गूगल अकाउंट बहुत सी जगहों पर जाके बना सकते हैं, जैसे कि आप प्ले स्टोर पर जाके, और यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाके ऊपर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे आप। और जैसे ही प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे, ये आपका नया, आपका प्ले स्टोर पर अभी तक आईडी नहीं बनी है तो आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे प्ले स्टोर पर आके या फिर आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी पर क्लिक करना है, पहले इस ईमेल आईडी है, और नीचे आपको यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे जाके बना सकते हैं, राइट। और यहाँ पे यदि आप यहाँ पे जाना नहीं चाहते तो आप अपनी जीमेल में चले जाएं, यहाँ पे भी जाके आप जैसे जीमेल में जाएंगे ऊपर आपको प्रोफाइल आइकन दिखेगा, और जो आपके पहले से यहाँ पे गूगल अकाउंट होंगे वो दिखेंगे आपको। अब आप नीचे स्क्रॉल करके और यहाँ पे भी ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, मतलब आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है या यहाँ पर चले जाना है या फिर क्रोम पर चले जाना है या फिर सेटिंग में चले जाना है, कहीं पर चले जाएं आपका गूगल अकाउंट बन जाएगा और वो गूगल अकाउंट आपको हर जगह दिखेगा। आपकी ईमेल में भी दिखेगा, आपकी प्ले स्टोर की आईडी में भी दिखेगा, आपकी यूट्यूब पे भी दिखेगा, वो हर जगह दिखेगा आपका गूगल अकाउंट। तो आप कहीं से भी गूगल अकाउंट बना सकते हैं, सिंपल सी एक ही प्रोसेस है बनाने की। अब यहाँ पे आपको गूगल पे क्लिक कर देना है। गूगल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप अपना स्क्रीन लॉक डाल देंगे, जैसे हम यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट लगा देते हैं, आप अपना पैटर्न भी डाल सकते हैं जो भी आप यूज करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में आपके सामने आ जाएगा अकाउंट बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम अपना न्यू अकाउंट बनाएंगे, तो हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे नया गूगल अकाउंट बनाने के लिए, और यहाँ पे फॉर माई पर्सनल यूज पे क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे नीचे अपना सर नेम डालेंगे, दोनों जगह डाल के हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो फर्स्ट में डे डालना है हमारी बर्थ का, और फिर मंथ और फिर ईयर, फुल डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और यहाँ पे फिर जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि आप मेल है या फीमेल है। उसके बाद में आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने गूगल अकाउंट बनाने को आ जाएगा। फर्स्ट में आप जो भी गूगल अकाउंट अपना रखना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल दें, जो भी आप बनाना चाहते हैं जिस भी नाम का। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या बनाना चाहिए, तो आप यूज मोबाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपको बना के एक सजेस्ट करेगा, कुछ सजेस्ट करेगा, उनमें से आप किसी को रख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अपना हाथ से बनाएंगे, तो यहाँ पे हम एक अपना नाम डाल के देख लेते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है। राइट, हम यहाँ पे अपना नाम डालते हैं, और ये अवेलेबल होगा तो आ जाएगा, अवेलेबल नहीं होगा तो ये हमसे मना कर देगा यहाँ पे। जैसे ही हमने यस यादव डाला, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये दिखा रहा है दैट यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर, मतलब हम दूसरा ट्राई करना चाहिए हमको, ये पहले से किसी ने ले रखा है। तो हम यहाँ पे इसमें कुछ नंबर्स ऐड करके देखते हैं, हो सकता है इन नंबर्स पे मिल जाए हमको, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो इसमें आपको कुछ और नंबर्स वगैरह ऐसे कुछ नाम और दूसरा चेंज करके देख लें आप, यदि आपको कोई आपका मिल जाता है अच्छा सा तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाल के किया, हमको ये मिल गया है। इसके बाद में हमको एक पासवर्ड बनाना पड़ता है, जब भी हम किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन होते हैं, या फिर हमको इसी हमारी गूगल अकाउंट की सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति इसको हमको लॉगिन ना कर पाए, तो एक पासवर्ड बनाना रहता है। इसमें कुछ आप लेटर्स का यूज करें, कुछ नंबर्स का, एक आध स्पेशल कैरेक्टर जैसे @#, इनका यूज भी कर सकते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा एक। और ये यहाँ पे सबका कॉम्बिनेशन आप डाल दें, डाल के यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसके बाद में जो भी आपने गूगल अकाउंट बनाया है वो यहाँ पे आपको विजिबल होगा। इसके बाद में नीचे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके इनकी टर्म्स को आपको आई एग्री पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है, और जैसे ही आप टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे आपका गूगल अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर आपको प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है दोबारा, और आपका इस लिस्ट में आपको गूगल अकाउंट दिखेगा जो भी आपने बनाया होगा, यहाँ पे दिख रहा है ये आप प्ले स्टोर पे भी देख सकते हैं, इसको आप क्रोम पे जाके भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं, सब जगह अब आपको ये आपका गूगल अकाउंट दिखने लगेगा। तो इस टाइप से आप अपने गूगल अकाउंट बना सकते हैं। आई होप इस वीडियो से हेल्प हुई, तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।